और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और धनु राशि वाले जातकों की भी बात कर लेते हैं। पिछले साल हुए घाटे की भरपाई इस साल कैसे कर पाएंगे, आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पंडित जी? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल की शुरुआत में ये सूर्य और मंगल की स्थिति आपके राशि में है और बृहस्पति आपके पंचम भाव में। अब इसकी पूरी दृष्टि तो आपके राशि पर बढ़ नहीं है, तो शुरुआत तो अच्छी नहीं, सुपर से ऊपर अच्छी है। मंगल और सूर्य आपके भाग्य को बल दे रहे हैं, सरकारी कारोबार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट का बड़ा टेंडर है तो आप विश्वास करिए, आपका काम भी समय पर पूरा होगा और आप खूब लाभ भी प्राप्त करेंगे और आपको वाहवाही भी मिलेगी। 2024 में अप्रैल, अगस्त, नवंबर और दिसंबर में हाँ थोड़ा संभल के रहिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि भाग्य मेहरबान है ना। तो जब भाग्य मेहरबान होता है तो आदमी कुछ अहंकार में आ जाता है और सोचता है कि पूरी जिंदगी मेरा ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। कारोबार में कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो इन महीनों में कारोबार का विस्तार करने के लिए आपको नई योजना बनानी होगी और नए प्रभावशाली लोगों से मिलना होगा, नई सोच के साथ नई शुरुआत करनी होगी। साल के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से आपके कारोबार को बल मिलेगा। दिसंबर का महीना कारोबार के कर्ज उतारने का है, पूरी योजनाओं को बदलने का है, पुरानी तकनीकियों को बदलने का है। देखिए, समय के साथ अगर आप परिवर्तित होते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होते रहेंगे, और यदि आपने एक लीक बना ली और उसी लीक पे चल रहे हैं, आप समाज के बदलते परिवेश को नहीं देख रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा विकास। 2024 में जुलाई का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए सबसे उत्तम है, ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि आपकी धनु राशि है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आपको रामचरितमानस का मास पारायण करना चाहिए। रोज एक घंटे रामचरितमानस सुबह या शाम आपको पढ़ना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, रोज आपको घंटी बजा करके राम दरबार की आरती करनी चाहिए, अपने घर में रोज प्रसाद पूरे परिवार के सदस्यों में बंटे इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कभी हलवा बनवा लीजिए, कभी बाजार से मिठाई मंगवा लीजिए, कभी भगवान जी के लिए कोई अच्छी चीज़ मंगवा लीजिए, रोज उन्हें प्रसाद दे करके और घर के सदस्यों में उसका वितरण करिए। पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।